बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12, थ्योरम 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मेजर आर्क और माइनर आर्क के दरमियान में बनने वाले एंगल्स के ताल्लुक के बारे में हमें बताता है। जैसे इसके स्टेटमेंट को आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। आपके पास जो माइनर आर्क है, इसका जो सेंट्रल एंगल आपके पास बनता है, इसका क्या रिलेशन इसने बताया, इज डबल, ये दो गुना होता है, ट्वाइस होता है दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो मेजर आर्क जो होती है, ये जैसे आप देखें आपके पास ये स्मॉल आर्क है, दिस इज़ ए सी, दिस इज़ कॉल्ड माइनर आर्क, और इसके सामने जो कनेक्ट होता है ये बाहर से आके, ये देखें ए से लेके बी से होता हुआ और सी तक ये वापस आ रहा है। तो ये आपके पास जो ए से लेके बी से होता हुआ सी तक वापस जो आर्क आ रही है, इसको आप कहते हैं मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस आर्क इज़ बेसिकली हाफ ऑफ द एंगल जो कि आपका मेजर आर्क के बीच में बन रहा है। आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा कि जो माइनर आर्क का एंगल है आपके पास, माइनर आर्क का एंगल ये डबल होता है, ये बड़ा एंगल है एज़ कम्पेयर टू द एंगल जो कि मेजर आर्क के बीच में यहाँ पे बन रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रूव भी यही करना है कि जो हमारे पास माइनर आर्क के बीच में एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज़ ट्वाइस ऑफ द एंगल, ये डबल होगा इस एंगल के मुकाबले में जो कि मेजर आर्क के बीच में बन रहा है। यानी कि अगर आपके मेजर आर्क के बीच में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर यहाँ पर आर्क का जो एंगल आपका बन रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज 60 डिग्री, तो जो माइनर आर्क के बीच में एंगल बनेगा ये आपका 120 डिग्री होगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, और उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी। गिवन हमें यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक आर्क है ए सी, और ए सी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट ओ। सेंटर आप देख सकते हैं, एक सर्कल के सेंटर हमारे पास ओ है, और वेयर एज एंगल ए ओ सी इज़ द सेंट्रल एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये जो मेजर आर्क है, सॉरी माइनर आर्क है आपकी, माइनर आर्क के सेंटर में जो एंगल बन रहा है यही आपका सेंट्रल एंगल है, क्योंकि ये सेंटर से कनेक्ट हुआ हुआ है। सो एंगल ए ओ सी दिस इज़ द सेंट्रल एंगल, और एंगल ए बी सी, ये आप देखते हैं बी के साथ जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये ऊपर जा रहा है, ये आपका मेजर आर्क के साथ एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहा जाता है सर्कम एंगल। तो जो एंगल आपका सेंटर से कनेक्टेड होता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है, और जो एंगल आपका पीछे जाकर सर्कमफ्रेंस के साथ कनेक्ट होता है उसको आप सर्कम एंगल कहते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव हमें ये करना है कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है, दिस सेंट्रल एंगल इज़ ट्वाइस ऑफ द सर्कम एंगल। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है जी, दिस इज द मेजर ऑफ द एंगल ए ओ सी, एंड दिस इज़ ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए बी सी। तो ये आपका सेंट्रल एंगल जो होगा ये सर्कम एंगल के डबल के बराबर है, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक अमल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो वी ज्वाइन बी विद ओ, आपके पास ये जो पॉइंट बी है, जो सर्कम का पॉइंट है आपके सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रहा है, इस बी को हम ज्वाइन कर देंगे विद दिस सेंटर ओ, और ओ के बाद जो है इसको आगे हम एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये नीचे आके यहाँ तक देखें पूरा डायामीटर कम्प्लीट हो रहा है आपका, एंड इट विल मीट एट द पॉइंट डी। तो ये हमारे पास इसका एक कंस्ट्रक्शन है, वी ज्वाइन बी विद ओ एंड देन वी प्रोड्यूस इट टू मीट द विद द सर्कल एट द पॉइंट डी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, इनको हम एंगल्स को लेबल करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और ट्राइंगल्स जो हमारे पास यहाँ पे हमें हासिल हो रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल आपके पास ए ओ बी, सेकेंड ट्राइंगल इज सेकेंड सी ओ बी, इसके बीच में हम कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें आप बताएंगे कि हमारे पास जो मेजर ऑफ एंगल 1 है, दिस शुड बी मेजर ऑफ एंगल 3। तो फिगर के अंदर आप वापस आ जाएं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। तो ये आपके देखें कि हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि जब आपके पास दो एंगल्स उनके मेजरमेंट इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है, या अगर आपके पास दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो उनकी अपोजिट जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड बन रही है साइड ए ओ, और यहाँ पे आपके पास जो साइड है दिस इज साइड ओ डी। तो ओ डी जो है बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज़ योर रेडियस, एंड सिमिलरली आपके पास जो ए ओ है ये भी आपका रेडियस है। तो रेडियस की जाहिर सी बात है कि लेंथ तो बराबर होती है, तो ए ओ के अपोजिट एंगल 3 आ रहा है और डी ओ के अपोजिट जो एंगल है वो आपके पास एंगल 1 आ रहा है। तो ये वजह होगी कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ पे आप देखें आपके पास सी ओ ये आपके पास रेडियस है और ओ डी दिस इज़ आल्सो रेडियस। तो जब ये क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, सी ओ के अपोजिट एंगल है 4 और डी ओ के अपोजिट एंगल है 2, सो एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 4। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये बता दिया, मेजर ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4 एंड मेजर ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3। एंड द रीज़न यू हैव टू शो हेयर इज़ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन द ट्राइंगल ओ ए बी एंड इन द ट्राइंगल ओ बी सी। तो दोनों ट्राइंगल्स का सेम केस है, उनमें जो दोनों साइड्स आपकी सेम आ रही हैं उनके सामने
सेम एंगल्स मौजूद होने चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें, आपके पास जो एंगल 5 और एंगल 6 हैं, एंगल 5 आपका जो होगा, दिस इज़ एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ डी। तो ट्राइंगल ए ओ डी के जो ये आपके पास 5 है, दिस इज़ एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल जो होता है ये अपोजिट इंटरनल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो 5 के जो अपोजिट इंटरनल हैं वो हैं एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है जी। तो ये इनके सम के बराबर होगा, सो एंगल 5 शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल 5 इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3, एंड सेम इज़ द केस इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ डी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एंगल 6 इज़ द एक्सटर्नल एंगल, और इसको बराबर होना चाहिए सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4। सो मेजर ऑफ एंगल 6 इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। तो ये हमने यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। रीज़न आपने इसके लिए बतानी है 5 और 6 के लिए कि एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। ये भी आपके पास एक थ्योरम था जो आपने 9th में इसको स्टडी किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास मेजर ऑफ एंगल 5 था, आप देखें यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा, मेजर ऑफ एंगल 5 इज़ 1 प्लस 3। तो हम जानते हैं कि 1 और 3 आपस में इक्वेट हैं, इक्वल हो सकते हैं, तो हम इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं विद द 3, क्योंकि 1 और 3 आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम 3 को रिप्लेस कर देंगे, तो दिस विल बिकम मेजर ऑफ एंगल 5 इक्वल्स मेजर ऑफ 3 प्लस मेजर ऑफ 3। सेम इज़ द केस विद द मेजर ऑफ 6। तो 6 में आप देखें एंगल 2 और 4 आपस में क्योंकि बराबर हैं, तो हम 2 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो आप ये काम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल 5 इज मेजर ऑफ 3 प्लस मेजर ऑफ 3, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ 3, एंड मेजर ऑफ एंगल 6 दिस इज मेजर ऑफ 4 प्लस मेजर ऑफ 4, एंड दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ एंगल 4। तो ये इनके देख सकते हैं आपके ट्वाइस के बराबर आ रहा है। अब आप देखिए अगर आप एंगल 5 और एंगल 6 को सम कर लें, आपस में मिला दें, तो ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाता है, एंगल ए ओ सी, जो कि हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ठीक है जी। तो हम मेजर ऑफ एंगल 5 को और 6 को आपस में ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मेजर ऑफ 5 प्लस मेजर ऑफ 6, तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 2 मेजर ऑफ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई मेजर ऑफ एंगल 4। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो वी गेट मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। तो ये 3 एंड 4 आप देखते हैं कि ये आपके पास इसका सर्कम एंगल बन रहा है, ठीक है जी। 3 और 4 को ज्वाइन करने से वी आर गेटिंग द एंगल एंगल ए बी सी। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है हमने यहाँ से प्रूव कर लिया जो आपके पास जो इसका सेंट्रल एंगल था, सेंट्रल एंगल इज ए ओ सी, दिस हैज़ बिकम ट्वाइस ऑफ द सर्कम एंगल एंगल ए बी सी।